भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन्स बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। मुझे याद है वो तस्वीरें जब इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने सोनो एक्टीर मुजिबोरे थे के इस धुन पर दिल्ली में परेड की थी। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। साथियों, भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेनर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े, वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें, हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं।